एक्सपोर्ट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन के बीच होने वाले टाटा आईपीएल के मैच नंबर 18 के बारे में, जो कि पीसी अभिंद्रा स्टेडियम मोहाली में 13 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों टॉपिक की बात करें वीडियो में तो पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे दोनों टीमों के बीच, एवरी प्लेयर के स्टेट के बारे में बात करेंगे एंड प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, प्लेयर के बैटल के बारे में बात करेंगे, प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, ग्रैंड लीग टिप्स के बारे में बात करेंगे और बेस्ट ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों मोहाली के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 160 से 180 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हाईएस्ट स्कोर 240 बना है, लोएस्ट स्कोर 60 रन बना है। पिच की बात करें तो बैलेंस पिच रहने वाला है, यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अच्छी खासी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देंगी। मोहाली की वेन्यू की बात करें तो टोटल 57 मैच हुए, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट ने 25 बार और बैटिंग सेकंड ने 32 बार विन किया है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर 12 बार बना है, 150 से 169 के बीच 15 बार बना है, 170 से 189 के बीच 21 बार बना है और 190 प्लस 9 बार बना है। तो इस मैच में भी 170 से 180 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिखाई देगा। रिसेंट मैचेस की बात करें मोहाली में तो जहाँ पे 2019 में 3 मैच हुए थे और एक मैच रिसेंटली 2023 में हुआ है, जो कि टाटा आईपीएल का। 2019 की बात करें जहाँ पे पंजाब ने 182 बनाए थे और राजस्थान ने 170 बनाए थे, जहाँ पे पेसर को 9 और स्पिन को 4 विकेट मिले थे। दूसरे मैच की बात करें पंजाब ने 183 और केकेआर ने 185 बनाए थे, जहाँ पे पेसर को 6 और स्पिन को 1 विकेट मिला था। और थर्ड मैच की बात करें जहाँ पे सीएसके ने 170 और पंजाब ने 173 बनाए थे, जहाँ पे पेसर को 5 और स्पिन को 4 विकेट मिले थे। और रिसेंटली 2023 की बात करें जहाँ पे पंजाब ने 191 और केकेआर ने 146 बनाए थे, जहाँ पे पेसर को 8 और स्पिन को 4 विकेट मिले थे। तो दोस्तों मोहाली में थोड़ा पेसर को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और स्पिन को थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है, तो अपनी टीम में वही पेसर पिक करना जो डेट में बॉलिंग करते हैं और अच्छी खासी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हैं, उन्हीं को आप ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी पिक बन सकती है, ग्रैंड लीग में आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में लक के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप अपनी टीम में किसी को भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोनों दो मैच हुए जहाँ पे दोनों ने एक एक मैच हुआ है विन किया है। प्रीवियस मैचेस के रिजल्ट की बात करें दोनों ने पाँच मैच से पंजाब ने 3 बार विन किया और गुजरात ने 5 में से 4 बार विन किए, और रिसेंटली लास्ट मैच गुजरात ने लॉस कर कह रही है, जो कि कोलकाता ने उनको लास्ट ओवर में हरा दिया था। रिंकू सिंह ने 5 बॉल में 5 सिक्स मार के हरा दिया था गुजरात को। पॉसिबल लाइनअप की बात करें गुजरात की, सॉरी पंजाब की ओर से, तो शिखर धवन, सिमरन सिंह, मैथ्यू शॉट, लियाम लिविंगस्टन खेलते हुए दिखाई देंगे, जीतेश शर्मा, शाहरुख खान, सैम करन, नथन एलिस, राहुल चहर, हरप्रीत बार और अर्शदीप सिंह रहेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा पंजाब की ओर से पॉसिबल लाइनअप। शिखर धवन की बात करें और सिमरन सिंह की बात करें, दोनों ही ओपन करते हुए दिखाई देंगे। पंजाब की ओर से शिखर धवन अच्छे खासे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया है, फॉर्म में चल रहे हैं, तो स्मॉल के लिए मस्ट पिक रहने वाले और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहने वाले शिखर धवन। सिमरन सिंह की बात करें तो ग्रैंड लीग पिक रहने वाले, सिमरन सिंह को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखाई देंगे, ग्रैंड लीग के लिए मस्ट पिक रहेंगे सिमरन सिंह। मैथ्यू शॉट की बात करें तो एक मैच खेला है, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं, लेकिन मैथ्यू शॉट मस्ट पिक रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग से आपको बैकअप देते हुए दिखाई देंगे, तो मैथ्यू शॉट स्मॉल लीग के लिए ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहेंगे। लिविंगस्टन की बात करें तो उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला इस सीजन, तो स्मॉल लीग में ट्राई करते हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए अच्छे खासे पिक बन सकते हैं लिविंगस्टन इस मैच के लिए, तो आप चाहो तो लिविंगस्टन को कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाले ग्रैंड लीग के लिए। जितेश शर्मा की बात करें तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं, तो उनको आप जितेश शर्मा को ड्रॉप कर सकते हो, चाहो तो एक आध दो टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। शाहरुख खान की बात करें, शाहरुख खान को भी आप उतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं इस सीजन, तो शाहरुख खान को भी आप ड्रॉप कर सकते हो, एक आध दो टीम में ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो शाहरुख खान को। सैम करन की बात करें, सैम करन को उतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा इस सीजन, तो आप चाहो तो सैम करन स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक रहेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आप अगर पहले बॉलिंग आए तो ट्राई कर सकते हो, डेट में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे सैम करन। नाथन एलिस की बात करें तो स्मॉल के लिए सेफ पिक रहने वाला, लास्ट मैच में 0 विकेट था, उससे पहले 4 विकेट थे, तो स्मॉल के लिए सेफ पिक रहने वाला नाथन एलिस, तो स्मॉल में ट्राई करके चल सकते हो नाथन एलिस को। राहुल चहर की बात करें तो 3 मैच में 2 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप राहुल चहर को ग्रैंड लीग पर ट्राई करते हो, तो ग्रैंड लीग पिक रहने वाले। हरप्रीत बार की बात करें, 3 मैच में 0 विकेट है, हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं, वेन्यू पे 2 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी बहुत खराब है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो हरप्रीत बार को ग्रैंड लीग में, एक आध दो टीम में ट्राई कर सकते हो हरप्रीत को। अर्शदीप सिंह की बात करें, 3 मैच में 6 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 5 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी अच्छे खासे टच में दिखाई दे रहे, स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक रहेंगे और डेट में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, अगर पहले बॉलिंग आए तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अर्शदीप सिंह को। तो दोस्तों ये था हमारा प्लेयर स्टेट के बारे में, जो कि पंजाब किंग्स की ओर से था।
केबीएल के लिए रहने वाले पंजाब की ओर से इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो शिखर धवन, हरप्रीत पाटिया, आर्थर साइड ऋषि धवन और कगिसोर बाड़ा रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो अर्शदीप सिंह, सैम करम, हरप्रीत बार स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। डेट ओवर की बॉलिंग की बात करें तो नाथन एलिक, सैम करम, अर्शदीप सिंह डेट में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। प्लेयर बैटल के बारे में बात करेंगे पंजाब की ओर से तो शिखर धवन की बात करें तो राशिद खान ने 56 बॉल में 4 बार आउट किए, हार्दिक पंड्या ने 13 बॉल में 1 बार आउट किया। लिविंगस्टन की बात करें तो राशिद खान ने 46 बॉल में 4 बार आउट किए, हार्दिक पंड्या ने 11 बॉल में 1 बार आउट किया। शाहरुख खान की बात करें राशिद खान ने 8 बॉल में 1 बार आउट किया। सैम करम की बात करें तो हार्दिक पंड्या ने 8 बॉल में 2 बार आउट किया और राहुल द्विवेदी ने 7 बॉल में 1 बार आउट किया। तो दोस्तों ये था हमारे प्लेयर बैटल के बारे में जो कि राशिद खान और हार्दिक पंड्या मोस्टली दिखाई देंगे आउट करते हुए प्लेयर बैटल्स में। गुजरात की ओर से पॉसिबल लाइनअप की बात करें तो शुभमन गिल, रुतिमान शाह, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तिवटिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, मोहम्मद शमी और जोशा लिटल रहेंगे। तो दोस्तों रहेगा गुजरात की ओर से पॉसिबल लाइनअप। प्लेयर स्टेट के बारे में बात करें गुजरात की ओर से तो शुभमन गिल और रुतिमान शाह ओपन करते हुए दिखाई देंगे गुजरात की ओर से। दोनों ही स्मॉल के लिए सेफ पिक रहने वाले हैं। आप चाहते हो रुद्धिमान शाह की जगह सिमरन सिंह को ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए, दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। शुभमन गिल स्मॉल लीग के लिए मस्ट विक रहने वाला, कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहने वाला है इस मैच में। तो आप चाहते हो ट्राई कर सकते हो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन इस मैच में स्मॉल लीग के लिए। रुद्धिमान शाह की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक रहने वाले, तो उनको आप स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हो या सिमरन सिंह को भी ट्राई करके चल सकते हो। साई सुदर्शन की बात करें तो 3 मैच खेला 137 रन बनाए और हेड टू हेड में 2 मैच में 100 रन बनाए, वेन्यू पे कोई भी मैच नहीं खेला। रिसन फॉर्म की बात करें लास्ट 3 मैच में से 2 मैच में 50 बना के आ रहे हैं, तो स्मॉल के लिए सेफ पिक रहने वाले साई सुदर्शन। हार्दिक पंड्या की बात करें 2 मैच में 13 रन है और विकेट कोई भी नहीं, हेड टू हेड में 13 मैच में 238 रन और 4 विकेट है, वेन्यू पे 5 मैच में 106 रन और 3 विकेट। रिसन फॉर्म की बात करें तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन सेफ पिक रहने वाले स्मॉल के लिए। तो हार्दिक पंड्या को स्मॉल के लिए सेफ पिक ट्राई कर के चल सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहने वाले। डेविड मिलर की बात करें तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं रहा इस आईपीएल में, तो डेविड मिलर को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग के अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। राहुल त्रिवटिया की बात करें तो ग्रैंड लीग पिक रहने वाले, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे पॉइंट देते हुए दिखाई देंगे राहुल त्रिवटिया आपको ग्रैंड लीग के लिए। राशिद खान की बात करें तो 3 मैच में 10 विकेट है, हेड टू हेड में 12 मैच में 21 विकेट है, वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छे खासे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल लीग के लिए मस्ट भी करेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी चॉइस रहने वाला है राशिद खान। अलजारी जोसेफ की बात करें 3 मैच में 6 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में विकेट लेते हैं, वेन्यू पे कोई भी मैच नहीं। रिसेंट फॉर्म की बात करें सभी मैच में अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक रहने वाले अलजारी जोसेफ। यश दयाल की बात करें 3 मैच में विकेट लेते हैं, हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं, वेन्यू पे भी कोई भी मैच नहीं, रिसेंट फॉर्म भी बहुत खराब, तो ग्रैंड लीग पिक रहेंगे यश दयाल को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद शमी की बात करें 3 मैच में 6 विकेट, हेड टू हेड में 7 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 3 विकेट 13 विकेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो अच्छे खासे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक रहेंगे और डेट में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे मोहम्मद शमी। जोशा लिटल की बात करें 3 मैच के लिए 2 विकेट है, हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं, वेन्यू पे भी कोई भी मैच नहीं। रिसेंट फॉर्म की बात करें उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, तो ग्रैंड लीग पिक रहने वाले ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो जो कि शिखर भरत है, मैथ्यू वेड है, विजय शंकर है और मोहित शर्मा है और जयदेव उनाडकर है। तो दोस्तों ये रहेंगे गुजरात की ओर से इंपैक्ट प्लेयर। स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो मोहम्मद शमी, जोशा लिटल, हार्दिक पंड्या स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। डेट की बात करें तो जोशा लिटल, मोहम्मद शमी और अलजारी जोसेफ डेट में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। प्लेयर बैटल के बारे में बात करेंगे जो कि शुभमन गिल की बात करें तो राहुल चंद ने 32 बॉल में 2 बार आउट किया, अर्शदीप सिंह ने 29 बॉल में 1 बार आउट किया और रबाड़ा ने 37 बॉल में 2 बार आउट किया। शाह की बात करें तो रबाड़ा ने 21 बॉल में 2 बार आउट किया। मिलर की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 14 बॉल में 1 बार आउट किया, लिविंगस्टन ने 9 बॉल में 1 बार आउट किया, रजा ने 5 बॉल में 1 बार आउट किया, रबाड़ा ने 21 बॉल में 2 बार आउट किया। पंड्या की बात करें तो अर्शदीप ने 19 बॉल में 1 बार आउट किया और सैम करन ने 20 बॉल में 1 बार आउट किया, लेकिन सैम करन को 20 बॉल में 48 रन भी पड़े। रबाड़ा ने 34 बॉल में 2.5 बार आउट किया और 57 रन दिए और धवन की बात ऋषि धवन की बात करें 1 बॉल में 1 बार आउट किया। तो दोस्तों ये था हमारा प्लेयर बैटल के बारे में जो कि गुजरात की ओर से। बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन में रुतिमान शाह और सिमरन सिंह और जितेश शर्मा रहेंगे। सिमरन सिंह और रुतिमान शाह स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक रहने वाले, अभी के लिए हमने रुतिमान शाह को पिक करके चल रहे। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो शिखर धवन, शुभमन गिल, साई सुदर्शन है, डेविड मिलर ग्रैंड लीग पिक रहने वाले, शाहरुख खान ग्रैंड लीग पिक रहने वाले, उनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो हार्दिक पंड्या, सैम करन और विजय शंकर रहेंगे। विजय शंकर की जगह हम लिविंगस्टन को ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी पिक बन सकते हैं लिविंगस्टन।
बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो राशिद खान, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और नाथन लियाली से। अल्जारी जोसेफ भी मस्ट पिक रहने वाला है अगर पहले बॉलिंग आए तो। राहुल चहर को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग पिक रहने वाले हैं। और हरप्रीत बार भी ग्रैंड लीग पिक रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें स्मॉल लीग के लिए तो राशिद खान, हार्दिक पंड्या, शिखर धवन और लिविंगस्टन को और सैम करन, इन पांचों को आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में बात करेंगे तो पंजाब की ओर से ग्रैंड लीग पिक्स की बात करें तो जितेश शर्मा, हरप्रीत बार और सिमरन सिंह रहेंगे। गुजरात की ओर से वृद्धिमान शाह, यश दयाल और राहुल त्रिवटिया को ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें ग्रैंड लीग के लिए डेविड मिलर, लिविंगस्टोन और साई सुदर्शन को ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक यू गाइस।